जादुई विशाल लहंगे का घर। रतनपुर नाम के एक गांव में चार सहेलियां रहा करती थी। एक का नाम आरती, दूसरी का नाम पिंकी और तीसरी चौथी का नाम पायल और कंगना था। चारों सहेलियां बचपन से ही साथ खेलती हुई बड़ी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी 10वीं पूरी करके 11वीं में दाखिला लिया था, लेकिन चारों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। चारों सहेलियां में कंगना के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बाकी के तीनों सहेलियां तो बहुत अमीर थी, लेकिन कंगना एक गरीब परिवार से थी। कंगना के पिता नहीं थे और माँ लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। कंगना गरीब थी तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था और वो कभी भी अपनी सहेलियों की मदद करने से नहीं चूकती थी। एक बार की बात है, स्कूल में सभी बच्चों को असाइनमेंट बनाने का काम मिलता है। चार में से तीन सहेलियां तो अपना असाइनमेंट बना लेती है, परंतु आरती असाइनमेंट नहीं बना पाती है। अगले दिन जब चारों सहेलियां स्कूल जाती है, तब टीचर कहते हैं, सभी बच्चे अपना अपना असाइनमेंट अपने टेबल पर रखिए, मैं चेक करने आ रहा हूँ। सभी बच्चों ने अपना अपना असाइनमेंट टेबल पर रख लिया, परंतु आरती बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसने तो असाइनमेंट बनाया ही नहीं था। कंगना आरती से कहती है, क्या हुआ आरती, तुम घबरा क्यों रही हो, अपना असाइनमेंट निकालो। कंगना, कल मैं अपने पापा के साथ उनके बिजनेस पार्टी में चली गई थी, इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं बना पाई। अब तो सर मेरी बहुत पिटाई करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, तुम एक काम करो, मेरा असाइनमेंट रख लो और मेरा नाम काट कर अपना नाम लिख लो। सच में कंगना, लेकिन फिर सर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरी दोस्त हो। इतना कहकर कंगना अपना असाइनमेंट आरती को दे देती है। जब टीचर कंगना के पास आते हैं तो कहते हैं, कंगना तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है। सर मैंने अपना असाइनमेंट बना लिया था, लेकिन मैं लाना भूल गई, मैं कल पक्का ले आऊंगी सर। झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पास कोई और बहाना नहीं था क्या कंगना, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ लग रहा है कि तुमने असाइनमेंट बनाया ही नहीं है। अभी से भी समय है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो वरना फेल हो जाओगी। अब सभी बच्चों के सामने 10 उठक बैठक लगाओ। टीचर के कहने पर कंगना सभी बच्चों के सामने 10 उठक बैठक लगाती है। थोड़ी देर बाद जब लंच हो जाता है तो कंगना की बाकी तीन सहेलियां उसके पास आती है और फिर आरती कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कंगना, और साथ में मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी किस लिए। मेरी वजह से तुम्हें पूरे क्लास के सामने उठक बैठक करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं पागल, लंच हो गया है, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद चारों सहेलियां खाना खाने चली जाती है। कंगना के अलावा बाकी तीनों बहुत अच्छा खाना लाया करती थी, लेकिन कंगना सूखी रोटी और चटनी लेकर आया करती थी। लेकिन फिर भी उसकी तीनों सहेलियां उसको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं करवाती थी कि उसका खाना अच्छा नहीं है। वो तीनों बड़े ही चाव से कंगना का खाना भी खाया करती थी। वैसे कंगना, तेरे घर की धनिया की चटनी तो बहुत ही कमाल की होती है, खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ आरती, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कंगना के घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। रहने भी दो अब तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों को सैंडविच और कटलेट के आगे मेरी सूखी रोटी और धनिया की चटनी थोड़ी ना अच्छी लगती होगी, तुम तो बस मेरा दिल रखने के लिए कहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कंगना, अब तू ज्यादा मत बोल और चुपचाप से खाना खा, समझी, बड़ी आई। इसी तरह उन चारों में बहुत प्यार था। कुछ समय बीत जाता है और उनकी दोस्ती में कोई भी बदलाव नहीं आता है। एक बार की बात है, कंगना का बर्थडे आने वाला था, उसी विषय में कंगना की तीनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी। गाइस, कंगना का बर्थडे आने वाला है और तुम्हें तो अच्छे से पता है उसके घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ तुम सही कह रही हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मैं बताती हूँ हमें क्या करना है, हम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं और तीनों मिलकर उसे एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे। हाँ ये आइडिया सबसे बेस्ट है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन लेकिन क्या, हम सब कोई जॉब तो नहीं करते, तो हम इतने सारे पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे। अपनी पॉकेट मनी से, हमें हर हफ्ते पॉकेट मनी तो मिलती है ना, हम तीनों अपनी अपनी पॉकेट मनी सेव करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी प्लान करेंगे और उसके लिए एक एक्सपेंसिव सा लहंगा खरीदेंगे,
क्योंकि उसके पास कोई लहंगा नहीं है और उसे लहंगा बहुत पसंद है। तीनों आपस में कंगना के बर्थडे की प्लानिंग कर लेती है। अब वो तीनों अपनी हर हफ्ते की पॉकेट मनी सेव किया करती थी। दिन बीतते जाते हैं और समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। कंगना के बर्थडे से एक दिन पहले पिंकी और पायल आरती के घर जाती हैं और तीनों अपने अपने पैसे काउंट करती है। हम तीनों के पैसे मिलाकर टोटल 2000 रुपए हुए हैं। 2000 में हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? देख, 1000 में तो हमारी पार्टी प्लान हो जाएगी, बाकी के 1000 रुपए का लहंगा खरीद लेंगे। कौन देगा तुझे 1000 रुपए का लहंगा? तुझे पता नहीं है लहंगे का प्राइस कितना ज्यादा होता है? हाँ हाँ, मुझे दुनियादारी की नॉलेज कहाँ है, हम सबकी दादी अम्मा तो तू ही है ना। यार गाइस, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अभी हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं उस पर फोकस करो। हम एक काम करते हैं, मार्केट चलकर पता कर लेते हैं, क्या पता हमें कोई 1000 रुपए का कोई अच्छा सा लहंगा मिल जाए। पिंकी की बात मानकर वो तीनों मार्केट चली जाती है। तीनों मार्केट तो चली जाती है, लेकिन उन्हें पूरा मार्केट घूमने के बाद भी 1000 रुपए का लहंगा कहीं नहीं मिलता। वो तीनों काफी मायूस हो जाती है। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, यार हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन हमें शाम हो गई है और अभी तक हमने कुछ भी अरेंज नहीं किया है। न ही लहंगा मिला और अभी तक हमने उसके बर्थडे के लिए डेकोरेशन भी नहीं किया। आज रात को 12 बजे ही हम उसे सरप्राइज देने वाले थे। मायूस मत हो यार, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है ना, चल घर चलते हैं। इसके बाद तीनों अपना मुंह लटकाकर घर की ओर जाने लगती है। तभी उन्हें अचानक से सुनसान रास्ते पर एक दुकान दिखाई देती है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि यहाँ 1000 रुपए से कम दाम में ही लहंगे मिलते हैं। ओए, अचानक से यहाँ पर ये दुकान कहाँ से आई? हम मार्केट भी तो इसी रास्ते से गए थे, उस टाइम तो कोई दुकान नहीं थी। चल अब तो अपना गोबर वाला दिमाग लगाना बंद कर, क्या पता हमने ना देखा हो इस दुकान को। चल अंदर चलकर देखते हैं। वो तीनों अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की लहंगा बेच रही थी। उन्हें उस दुकान में 1000 रुपए में ही एक बहुत खूबसूरत लहंगा मिल जाता है, जिसे पाकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होती है और उस लहंगे को लेकर वो तीनों आरती के घर चली जाती है। आरती कहती है, गाइस हमें लहंगा तो मिल गया, अब हमें डेकोरेशन करना है, चलो लग जाओ अपने अपने काम पर। उसके बाद वो तीनों आरती के घर में ही बहुत अच्छा बर्थडे का डेकोरेशन करती है। डेकोरेशन करने के बाद वो तीनों कंगना के घर जाती है और पायल कंगना से कहती है, सुन कंगना, यार तुझे तो पता है हमारे एग्जाम आने वाले हैं और हम तीनों ही पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, हम चारों में सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज तू ही है। आज प्लीज हमारे साथ आरती के घर चलना, हमने सोचा है हम रात को बैठकर ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। कंगना मम्मी से पूछ कर आती है और उसके बाद वो तीनों आरती के घर चले जाते हैं। आरती के घर में दूसरे कमरे में बैठकर वो लोग झूठ मूठ का पढ़ाई करने का ढोंग करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं वो सभी जोर से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे कंगना। अरे यार तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था? मुझे तो खुद ही मेरा बर्थडे याद नहीं था। थैंक यू सो मच। अच्छा अब किताबों को छोड़ और हमारे साथ चल। वो तीनों मिलकर कंगना को डेकोरेशन किए हुए रूम में लेकर जाती हैं। इतनी अच्छी सजावट और सुंदर सा केक देखकर कंगना बहुत खुश होती है। तभी वे लोग उसे लहंगा देते हैं। कंगना को लहंगा भी बहुत पसंद आता है और वो तुरंत अपने पुराने कपड़े चेंज करके वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा कंगना के ऊपर बहुत जच रहा था। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों के साथ केक कट करती है और पूरी रात वो लोग बहुत डांस करते हैं और पार्टी करते हैं। सुबह कंगना अपनी सहेलियों से कहती है, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना ये बर्थडे जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। चल चल अब ओवर एक्टिंग मत कर। कंगना की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद कंगना अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कंगना की माँ भी बहुत खुश होती है। कंगना ने लहंगा पहना हुआ था। वो लहंगा पहनकर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट पकवानों में बदल जाता है। ये सब देख कंगना को कुछ भी समझ नहीं आता। अरे ये सब कैसे हुआ? जैसे ही मैंने इस खाने को छुआ
मुझे ये स्वादिष्ट पकवान मिल गया खाने के लिए। फिर कंगना वो स्वादिष्ट पकवान बहुत खुश होकर खा लेती है। अभी तक उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका लहंगा जो उसकी सहेलियों ने उसे गिफ्ट किया है वो एक जादुई लहंगा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक बार की बात है, एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। कच्चा मकान होने के कारण कंगना का मकान बारिश में ढह जाता है और कंगना और उसकी माँ बेघर हो जाती है। कंगना आस पड़ोस के लोगों से बहुत मदद मांगती है। मदद करो काकी, देखो हमारा घर ढह गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? तो हमसे क्या कह रही है, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कंगना मायूस होकर वापस अपनी माँ के पास चली जाती है, जो टूटे हुए मकान के आगे खड़ी होकर रो रही थी। रो मत माँ, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी अचानक से कंगना का जादुई लहंगा, जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था, एकदम से बहुत बड़ा आकार ले लेता है और एक लहंगे के घर के रूप में बदल जाता है। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो जाती है। माँ, ये तो वही लहंगा है जो मेरी सहेलियों ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अच्छा, इसका मतलब उस दिन जो अचानक से अच्छे अच्छे पकवान मेरे सामने आ गए थे वो इस लहंगे के जादू से हुआ था। मतलब ये लहंगा जादुई है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस लहंगे के घर के अंदर जाती हैं। वो घर बहुत ही विशाल था और बहुत आलीशान भी था। वहाँ उनकी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद थी। कंगना बहुत खुश होती है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसकी तीनों सहेलियाँ उसको बुलाने आती है, लेकिन वहाँ पर उसका घर ना देखकर एक लहंगे का विशाल घर देख वे तीनों हैरान हो जाती है। आरती, क्या ये अपनी कंगना का घर है? हाँ, और तुझे ये लहंगा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? अबे, ये तो वही लहंगा है जो हमने उसको बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वे लोग इस तरह से बातें कर ही रही थी कि तभी कंगना घर से बाहर निकलती है और उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद वो चारों सहेलियां उस दुकान पर जाती है जहां से उन्होंने वो लहंगा खरीदा था। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो कोई दुकान ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ आएगा भी नहीं बुद्धू, क्योंकि तेरे दिमाग में गोबर जो भरा है। इस तरह चारों सहेलियां हंसने लगती है। उस दिन के बाद से जादुई लहंगे के घर की वजह से कंगना को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और अब वो अपनी सहेलियों की तरह अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।